हेलो एंड वेलकम टू नेहा मैम ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास सेवन का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स कर रहे थे और मैं एक्सरसाइज 1.4 आपको आज करा रही हूँ। इसमें सबसे फर्स्ट में पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डिवीजन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि इंटीजर्स का डिवीजन कैसे करते हैं। फॉर दिस जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन में रूल किए थे वैसे ही आपके पास यहाँ पर डिवीजन में भी है, बहुत ही सिंपल होता है डिवीजन भी। जैसे हमारे पास साइंस के रूल थे कि प्लस प्लस यू विल गेट प्लस, माइनस माइनस अगेन यू विल गेट प्लस, माइनस प्लस विल बी माइनस एंड प्लस माइनस विल बी माइनस। सेम रूल्स आपको यहाँ पे डिवीजन में भी अप्लाई करने हैं। फर्स्ट पार्ट ले लूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन का, ए जैसे माइनस 30 डिवाइड 10, तो सिंपली आपको क्या करना है जो सिंबल्स है उसको इसी फॉर्म में ऑपरेट करना है, जो नंबर्स को डिवाइड करते हैं उसे डिवाइड करना है। तो हियर इट इज माइनस एंड 10 इज प्लस, माइनस प्लस इज माइनस, तो आपका आंसर माइनस में आएगा एंड 30 डिवाइडेड 10 आपको पता है कि जिस 3, तो सिंपली आपको ये कंप्लीट हो गया। तो जैसे मल्टीप्लीकेशन में करते थे वैसे ही यहाँ पर करना है कि पहले सिंबल्स को देख लो आप, फिर डिवाइड करना है आपको जो नंबर्स दे रखे उनको। यहाँ पर आपको बड़े लेटर नंबर का सिंबल नहीं लगाना होता है, जो इस तरह से ऑपरेट करके आपके पास जो सिंबल आएगा वही लगाना होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें सी पार्ट, जो बीच के रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद करोगे। सी पार्ट में देखिए हम कि माइनस 36 डिवाइड माइनस 9, सो सिंपली माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस सिंबल आएगा एंड 36 को हम 9 से डिवाइड करें तो दिस विल बी प्लस, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ आई एम टेकिंग दिस जी पार्ट। अब जी पार्ट में देखो माइनस 31 डिवाइड, और पीछे आपको थोड़ा सा सॉल्व करके और फिर लेकर आना है आपको नेक्स्ट स्टेप, दिस माइनस 30 प्लस माइनस 1, तो बिगर ब्रैकेट जो है पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो माइनस 30 एंड दिस प्लस माइनस माइनस, दैट इज दिस माइनस 1। अगेन हम देखें तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, यहां पर हम ये इंटीजर्स का प्लस माइनस कर रहे हैं ना, जब इन दोनों को करेंगे तो हम डिवीजन करेंगे, तो दिस इज माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हम इसको प्लस कर रहे हैं दोनों नंबर्स को और इसमें हम बिगर नंबर का साइन डालते हैं तो माइनस आ गया। अब ये डिवीजन के अकॉर्डिंग चल रहा है आपका कि माइनस माइनस इज प्लस और 31 को 31 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से हम आई पार्ट देखें, तो आई पार्ट में सिंपली क्या है, दोनों पहले ब्रैकेट्स जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हियर इट इज माइनस 6 प्लस 5 डिवाइड माइनस 2 प्लस 1, तो सिंपली माइनस प्लस इज माइनस, तो माइनस किया हमने दोनों नंबर्स को तो 1 और 6 बढ़ा है इसलिए 6 का साइन दैट इज माइनस डिवाइड, हियर आल्सो माइनस प्लस इज माइनस, तो माइनस किया तो 1 और 2 बढ़ा है इसलिए 2 का साइन। अभी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे तो क्या आना चाहिए 1, और ऐसे भी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 1 डिवाइड बाय 1 इज 1। सो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, और बीच के जो क्वेश्चंस है आपके सेकंड थर्ड फोर्थ वो भी आपको करने। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन नंबर 5 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, और शायद आपको ये करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखिए, जस्ट रीड इट केयरफुली। द टेम्परेचर एट 12 noon, 12 noon मीन्स दिन के 12 बजे, वॉज 10 degree अबाव जीरो, 10 degree सेल्सियस टेम्परेचर है दिन के 12 बजे। इफ इट डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 2 degree सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, और रात के 12 बजे तक क्या हो रहा है कि 2 degree सेल्सियस हर घंटे ना पर आवर ये डिक्रीज होता चला जा रहा है ना। द क्वेश्चन इज दैट एट व्हाट टाइम, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, वुड द टेम्परेचर बी 8 degree सेल्सियस बिलो द जीरो, कि किस टाइम पर आपके पास 8 degree सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा बिलो जीरो। बिलो जीरो मीन्स देखो यहां पर 10 degree सेल्सियस अबाव जीरो था, यहां पर 8 degree सेल्सियस बिलो जीरो है, तो हम जैसे इंटीजर्स में एक को पॉजिटिव लेते हैं और उसके अगेंस्ट जो दूसरा अपोजिट टाइप अपोजिट होता है उसको हम नेगेटिव में लेते हैं, तो हम अबाव जीरो जो है 10 degree सेल्सियस उसको हम पॉजिटिव में लेंगे और 8 degree सेल्सियस बिलो जीरो है उसे हम नेगेटिव में लेंगे। दैट मीन्स कि 10 degree सेल्सियस दिन के 12 बजे टेम्परेचर था, ये कम होते होते आपके पास -8 degree सेल्सियस किस टाइम पर हो जाएगा ये बताना है। अगर आपका टेम्परेचर 2 degree सेल्सियस पर आवर की रेट से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम -2 ले रहे हैं। अब देखिए इसे कैसे करना है, इसे
फर्स्ट हम देखें कि द टेम्परेचर एट 12 नून, टेम्परेचर एट 12 नून क्या था हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस, और मैं इसको प्लस में प्रेजेंट कर रही हूं, एंड द टेम्परेचर इज डिक्रीज इन 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, और कितना टेम्परेचर हो जाएगा है ना, फाइनल टेम्परेचर जो आएगा आपके पास डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, अब देखो कहीं पे भी हम देखते हैं कि इनिशियली आपके पास ये था और ये डिक्रीज होता होता आपको -8 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो अगर हम देखें कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ है ना, कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करें तो हम टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालते, कहीं पे भी डिफरेंस निकालना तो क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल टर्म करते हैं, तो यहां पर भी हम ऐसे ही कर रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर देखिए अगर हम, तो फाइनल टेम्परेचर हमारा क्या है -8 डिग्री सेल्सियस माइनस इनिशियल टेम्परेचर जो है वो आपका +10 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स ये हो गया आपके पास -18 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस से ऐसे हमारे पास चेंज जो करना है हमें कितना करना है 18 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री से हम करते जाएंगे से 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर कम करते जाएंगे, हमें कितने घंटे लगेंगे ना, कितने आवर्स लगेंगे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, फिर टाइम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी बची होगी उस वक्त। तो पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ आवर्स जो होंगे, नंबर ऑफ आवर्स विल बी क्या हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको स्टार्टिंग से कम -2 ऐसे करते करते हमें -18 डिग्री कम करना है, तो दैट मींस कि वी हैव टू डिवाइड इट विद -2 डिग्री, मतलब कितनी बार आपने -2 किया होगा कि हमारे पास -18 डिग्री तक हो जाए। तो जैसे हमने अभी डिवीजन का कॉन्सेप्ट सीखा, तो माइनस माइनस इज प्लस एंड 18 को 2 से डिवाइड करें तो दिस इज 9, यानी कि 9 आवर्स में जो टेम्परेचर है वो आपका -8 डिग्री हो जाएगा। बट दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट टाइम, घड़ी में कितनी कितना टाइम हुआ होगा वो पूछा। तो हमने देखा था कि दिस 10 डिग्री जो था वो हमारा 12 नून में था है ना, दिन के 12 बजे, तो टाइम जो होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा दिन के 12 बजे, उसमें हम 9 आवर्स और एड करें तो है ना 12 नून और उसमें हम 9 आवर्स एड करें तो 12 + 9 नहीं है एक्चुअली, ये घड़ी में हम जो टाइम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग देखें कि 12 बजे के बाद क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, तो हमारे पास ये रात के 9 PM पर आपके पास ये -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए। इसे हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, देखो मैं इसको और इजी वे में बताती हूं, अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, सपोज आपको डिवीजन के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में लिखना है लेकिन आप जनरल वे में समझना चाहें, तो सपोज कि मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं यहां पर, दिस इज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड दिस इज माय 0 एंड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8, ये मैंने नंबर लाइन बनाई और ये सारे टेम्परेचर्स डिनोट कर रहे, और हमारे पास ये 10 डिग्री जो आ रहा है ना दिस इन सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस जो था हमारे पास वो 12 नून में आपका टेम्परेचर था। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हर घंटे आपको 2 डिग्री कम करना है, तो फर्स्ट आवर में 2 डिग्री कम होगी क्या हो जाएगा आपके पास 8 डिग्री +8 डिग्री टेम्परेचर हो गया, अगेन अगेन आपके पास 2 डिग्री कम हुआ तो 6 पे आ गया आपके पास, अगेन 2 डिग्री कम होगा आपके पास 4, अगेन 2 डिग्री दैट मींस 2 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, देन 0 देन -2 देन -4 -6 -8। अब हम चेक करें कि कितने आवर्स हुए हैं, तो सिंपली आप एरोस काउंट करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एरोस आ रहे हैं, मतलब कि 9 आवर्स लगे इस पूरे प्रोसेस को होने में कि +10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस में
टेम्परेचर डिक्रीज होने में 9 आवर्स लगे, तो 12 नून से 9 आवर्स और एक्स्ट्रा हम लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9 PM आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न पार्ट मैंने बताया और समझने के हिसाब से भी बताया, बट विद दैट एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है, व्हाट इज दैट, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट मींस रात के 12 बजे आपका क्या टेम्परेचर होगा वो भी आपको देखना है। तो सिंपली अगर हम टाइम देखें, जैसे हमारे पास यहाँ पे 9 आवर्स आया था, सेम ऐसे देखें कि दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे में कितना टाइम होता है, 12 आवर्स एट 12 नून हमारे पास क्या था, +10 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर एट मिडनाइट। देखिए अगर हम है ना, तो कितना हो जाएगा 12 से 12, दैट मींस की 12 आवर्स होते हैं हमारे पास, तो +10 डिग्री सेल्सियस में हम -2 करते जा रहे हो, कितनी बार करते जाएंगे 12 आवर्स के अकॉर्डिंग 12 इंटू करना है आपको, है ना। तो ये कितना हो गया आपके पास 10 - 24 दैट मींस -14 डिग्री सेल्सियस। ये 12 कहां से आया आपको पता चल गया, 12 नून से 12 मिडनाइट आपके पास कितने घंटे होंगे, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक आपके पास ये 12 घंटे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो गया ये -14 डिग्री सेल्सियस मिडनाइट पर आपका टेम्परेचर आ गया। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट एन रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। दिस 6 मीटर पर मिनट इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो देखो एलिवेटर क्या है, जैसे आपकी लिफ्ट होती है उस तरह से एलिवेटर है, और वो माइन शाफ्ट में जा रहा है, मतलब माइंस जो होती है वो अंदर डीप इनसाइड द अर्थ है ना। तो सपोज मैं फिगर के अकॉर्डिंग बताऊं कि ये अपना ग्राउंड लेवल है, दिस ग्राउंड लेवल, और आपके पास कहीं पर यहां पर अभी ये एलिवेटर है और दैट इज 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल। तो 10 मीटर अबाव, अबाव और बिलो दोनों बताएं, तो अबाव वाली टर्म हम प्लस में ले रहे हैं, तो दिस इज +10 मीटर्स अबाव द ग्राउंड लेवल, और इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबाव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। -350 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिलो द ग्राउंड लेवल, दैट मीन्स ग्राउंड लेवल यहां पर है, इसे हम 0 मान सकते हैं और इसके नीचे इसे जाना है, यहां पर दिस इज 350 मीटर्स और बिलो है इसलिए हम इसको नेगेटिव में लेके चल रहे हैं। और किस रेट से ये शेफ्ट जो एलिवेटर है चल रहा है, 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर्स वो नीचे जाएगा। तो इसको एक टोटल डिस्टेंस कवर करने में +10 से -350 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो जैसे अभी हम देख रहे थे कि टोटल डिस्टेंस क्या है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल के अकॉर्डिंग देखिए हम कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर कैसे पता चलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मींस कि हम देखें यहां पर कितना आ गया आपके पास, फाइनल जो आपके पास -350 एंड दिस -10, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ गया आपके पास -360 मीटर्स, मतलब उसको 360 मीटर्स यहां पर नीचे जाना है ना, +10 से ये नीचे की तरफ जा रहा पूरा, तो ये पूरा डिस्टेंस जो हो गया वो क्या हो गया। ऐसे भी आप क्लियरली फिगर से भी देख सकते हो कि इतना आपका टोटल 0 से लेकर 350 है और अबाव 10 है, तो 350 + 10 = 360, मतलब उसको एलिवेटर को 360 मीटर्स चलना है। तो कितना टाइम लगेगा, नाउ रेट इज गिवन एज 6 मीटर पर मिनट, दिस स्लैश जो है वो पर बोला जाता है कि ना 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 मीटर से चल रही है, तो टाइम टेकन बाय एलिवेटर कितना टाइम लगेगा, सिंपली हम डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हमें, तो दिस इज 360 / 6, दैट मींस कि कितना हो गया आपके पास ये 60 मिनट्स, है ना, यहां मिनट में दिया है इसलिए हम यहां पे मिनट लिख रहे हैं, और 60 मिनट्स मतलब कि क्या हो गया आपके पास 1 आवर। ठीक है, यहां पर मैंने नेगेटिव साइन यूज नहीं किया है क्योंकि हम टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टाइम में नेगेटिव पॉजिटिव यहां पे कोई मीनिंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम सिंपली
सिंपली यहाँ पर 360 लिया है, वो सिंपल मीनिंग यही है कि वन आवर उसको नीचे जाने के लिए लगा, तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस एलिवेटर इज वन आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो सिक्स मैंने छोड़ा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी.